ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरु श्री सुरजन बे नमाम। गुरुदेव नाम ललहम जिनका सर्व मंगल धाम है। श्रद्धा समेत सुरजन चैतन्य को इस रंजीत की बारंबार प्रणाम है। आ जाइए दोस्तों, प्रिया कैसेट कंपनी के माध्यम से धरती गमन बा सीता पुनः भगवान श्री राम से कब और कहां कैसे मिली, तो आ जाइए दोस्तों, ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय हो। जब सीता जी ने पृथ्वी में गमन किया है भक्तों, भगवान श्री राम ने जब सुना तो ऋषि वाल्मीकि कुटिया पर प्रस्थान करते हुए पहुंच गए और बोले, सीते तुमने ये क्या किया? मैंने दुखों के सिवा जीवन में कुछ नहीं जाना, तुम मुझे छोड़ करके चली गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और रो करके भगवान श्री राम कहने लगे, सीते उम्र मेरी गुजरी गई सारी, हने नहीं सुख पाए हूं पलिए को। उम्र मेरी गुजरी गई सारी, नहीं सुख पायो बलिए तो। विश्वामित्र यज्ञ करवा मेरी खेलने की उम्र थी, ऋषि विश्वामित्र पिताजी से हमें लेकर के चले गए। मैंने विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का वध किया, उनका एक करवाया। विश्वामित्र मैंने यज्ञ करवाया, और उसके बाद में उसके बाद में विभोर सुख पायो पलिए कर। तुम्हारी मेरी ही गुजरती है सारी, नहीं सुख पावत पलिए। जब माँ ने वरदान मांग लिए पिताजी से, माँ ने वचन पित हम बन धाए, अरे माँ ने वचन पित हम बन धाए, सुख पाए पलिए। जब सीते मेहरन को मारने गया तब तुम हमें छोड़ के चली गई,
रावण ने की मकारी, रावण ने की मकारी, दस सिर काटी उम्मीदारी, बल धोबी की मत मांगी, नहीं सुख पावे पलिए का, सुख पावत पलिए को, जिसमें भगवान श्री राम रुदन कर रहे हैं और जब सीता का कोई पता नहीं चल रहा है तो भगवान श्री राम ने क्या किया, हाथ में जो तीर था उससे अपने हृदय पर रख करके बोले सीता तुम नहीं आओगी, मैं पुनः घर पे लौट के नहीं जाऊंगा। और क्या किया भगवान श्री राम ने भक्तों, जैसे ही आवाज आकाशवाणी हुई आप यहां से चले जाओ, 12 वर्षों के बाद में महाराज अम्बरीश की नगरी में प्रस्थान करना, सूर की तपन से भोजन का आदेश करना, मैं सूर की तपन से तुम्हें भोजन बना के दूंगी, तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। भगवान श्री राम भक्तों आश्वासन पाकर के लौट के चले आए। समय के उपरांत में भगवान श्री राम ने शेषावताई लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया है, घर से चल दिए हैं लक्ष्मण, बड़े भैया भगवान श्री राम। क्या हुआ है भक्तजनों, और चल दीने श्री राम देर नाई पलकी कर दीने कलमा बढ़ाई प्रभु ने नाई दे
शेषावतारी लक्ष्मण उसी बगिया में रात्रि में रुक गए। माली आया, एक माली से प्रार्थना की, प्रभु आप इस बाग के मालिक हो, क्या आपकी आज्ञा हो जाए तो इस रात्रि भर मैं यहां पर रुक सकता हूं। और जैसे ही माली ने देखा, रोए जो बरसों का सूखा हुआ बाग इन दो तपस्वियों के आने से हरा हो गया। अब माली दोनों हाथ जोड़ करके बोला है, भैया महात्मानी मेरी बात सुनो। हरी भई बगिया चरण प्यारे पर के, हरी भई बगिया आवाजी बगिया बगिया, हरी भई बगिया चरण प्यारे पर के, हरी भई बगिया। आज की बात कर रहे हैं रोहित, जीवन भरिए बाग तुम्हारो। और बाबा जी रंजीत तू बन है दास तुम्हारो, तुम्हें नहीं मालूम सुधरी गई बगिया, सुधरी गई दुनिया चरण प्यारे पर के, हरी वही बगिया। माली कहने लगा है, प्रभु आप इस बाग में, आज की बात छोड़िए, सारा जीवन इसी बाग में व्यतीत करो। भगवान श्री राम बोले हैं, भैया संत सुखी विचरंत मही, मैं संतों के भेष में हूं, मैं संत हूं, हमें एक जगह पर रुकना उचित नहीं है। जिस प्रकार से गंगा नदी, गंगा माँ का जल दिन रात बहता रहता है, पवित्र रहता है, उसी प्रकार से संत भी जब विचरण करता है तभी पवित्र होता है। एक रात्रि भर के लिए आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं रुक जाऊं। मेरे भैया भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण दोनों भैया उस बगिया में रात्रि भर रुक गए। और जैसे ही सुबह बाग को घूमने के लिए चले तो क्या देखा, वही बाणासुर की कन्या मधुमंजली प्रस्थान करती हुई बाग के लिए सजने लगी है। क्या किया रोहित? अरे करिया रंग की फरिया और पैन बार के चली, चोली और घंगरिया और समार के चली, खजरा सार के चली कि पल्लू धार के चली। फरिया रंग की फरिया पैनी पार के चली, चोली और घंगरिया और समार के चली, कजरा सार के चली कि पल्लू धार के चली। धीरज धर के सोच विचार के चली, मन में धीरज धर के सोच विचार के चली, कजरा सार के चली कि पल्लू धार के चली। कैसा रूप है तो धरे हैं भमीरी गान,
कर स्वर्ग शरीर पर है रंगीनी को सुंदर चमकती है लली जब छपे पपैया पतरे कर यहाँ पे कंदोली झोंका खाई रही बिटिया के पतरे कर यहाँ पे कंदोली झोंका खाई रही बेटी के मेरे भैया प्रस्थान करके मधुवंदली चली आई और जैसे ही उसने भगवान श्री राम बसेश्वरावतारी लक्ष्मण को देखा और ये लड़की वही थी जिसने भक्तजनों त्रेता में जब भगवान श्री राम बसेश्वरावतारी के ऊपर मेघनाथ ने शक्ति के रूप में से छोड़ा था ये वही शक्ति विचार करती है मैंने तब तो इसे नहीं मार पाया लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी अब मारूंगी तो जान से मारूंगी विचार कर रही है और कैसे मारूंगी। नारी का छत्रपाल जी एक चाल होती है वेदों में लिखा है छोटी मोटी कामिनी सवई बिसकी बेली बेरी मारत उताई से जे माने हंस खेले पर कुत्ते ललचाते भाइयों विद्वानों के लिए पराई औरत जहर लुच्चा और लफंगों के लिए अमृत पर नारी वो कामनी है जाई पे कत्ल हुई जाते हैं जाई पे विचार करती है अब मैं इसे हंसते हंसते मार दूंगी और क्या करूंगी इससे मैं शादी करूंगी और शादी के लिए शक्ति प्रस्थान करती हुई आई है। भगवान श्री राम से विनय किया आप मेरे साथ में शादी कर लो ना। ओए भगवान श्री राम बोले नहीं देवी मेरे घर में पत्नी है मेरी पत्नी छोड़ के चली गई अब तो मैं शादी कर ही नहीं सकता हूं। लक्ष्मण से बोले तुम करो ना। लक्ष्मण बोले मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की बोली कर लो ना। और क्या बोली तुम मोर संग कर ली जो शादी भोले बाबा जी बाबा जी मैंने जगह सुना तुम मोर संग कर ली जो शादी भोले बाबा जी की
बाबा जी तुम। विनय कर रही है भक्तजनों, भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण दोनों लोग मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रही है। तुम जो करो और करें हम सोई, जीवन भर साथ निभाऊंगी निभाऊंगी, दैया तुम बिना नाई जी पाऊंगी। बोली बाबा जी क्या रहे घड़े घड़े बोलो ना। तुम जो कहो करें हम सोई, जीवन भर साथ निभाऊंगी निभाऊंगी, दैया तुम बिन नाई जी पाऊंगी। नाई चाहिए वो इस्तेमाल खजाना, नाई चाहिए वो इस्तेमाल खजाना, रूखी सुखी गुजर चलाऊंगी चलाऊंगी, दैया तुम बिना नाई जी पाऊंगी। जीवन भरिए साथ निभाना, और सुनो ना विचार कर रही है, बहुत अच्छा बाना मिल रहा हमें, अब नहीं बचेंगे ये। तुम्हारे संग जीवन कट जाना, तेरे पीछे शादी नहीं होवे तो बिलखी बिलखी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, दैया तुम बिना नाई जी पाऊंगी। तुम जो कहो करें हम सोई, हरी पलट रेल बजाऊंगी बजाऊंगी, ओहे तो तुम बिना नाई जी पाऊंगी। मेरी भैया विनय कर रही है। इधर भगवान श्री राम ने जब विचार किया ब्रह्मा जी के वरदान को याद करते हुए, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा कर दिया, हो शादी कर लो, ये शक्ति है मेरे भैया। जैसे ही बाणासुर को मालूम पड़ा, बाणासुर ने बेटी को सुनकर के बेटी के विचारों को देखा, कहने लगे स्वयंवर मन का होता है, बेटी की इच्छा है तो हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे भैया शुभ लगन के साथ में महाराज बाणासुर ने अपनी कन्या का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भैया के साथ में किया है। और जैसे ही विवाह हुआ आगे क्या हुआ, अरे होता क्या होने वाला था भाई, हुआ रात्रि में जब विवाह हुआ, ओरे शक्ति दूल्हा बन गई रे, लक्ष्मण दूल्हा बन आए, महाराज दोनों की दई भामर डाल।
रात नींद में लक्ष्मण भर जाए, शक्ति करे बिचारा हाथ में खबर ले धाए। जन नाई करी पलकी और हाथ कटारी ले शीश को काटे लक्ष्मण की। भगवान श्री राम के भैया लक्ष्मण का शक्ति ने जैसे ही आधी रात्रि हुई लक्ष्मण निद्रा में आए, लक्ष्मण को मार दिया और मारा। आगे बढ़ के चली आई, त्रिया चरित दिखाने लगी रोहित और रोने लगी, बोली ये क्या हुआ, मेरे पति को मार दिया, ऐसी कौन सी अभागिनी पत्नी होगी जो पिया स्वाग वाली रात ही इसमें छोड़ के चला गया। अपने पिताजी के पास पहुंची, पिताजी मेरे पिया को इस महात्मा ने मार दिया, ये दूसरा महात्मा इसने मेरे पति को मार दिया। और जैसे ही भक्त जनों लक्ष्मण की लहस को बड़े भैया भगवान श्री राम ने देखा, विलाप करने लगे, बोले भैया ये क्या हुआ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मेरे भैया। लक्ष्मण सीता तो चली गई, तुम ही मेरे साथ में थे, आज तुम भी प्रस्थान करके जा रहे हो। और जैसे ही भक्तजनों शक्ति ने त्रियाचरित प्रारंभ किया, बाणासुर ने भगवान श्री राम को बंधवा लिया है। अंत में फांसी की सजा जब सुनाई गई, रोहित जी मरने वाले से प्रश्न किया जाता है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। प्रश्न किया महाराज ने गौरे महात्मा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है बोल। भगवान श्री राम रो करके बोले, राजन मेरा एक भैया वो भी तुमने मरवा दिया, अब मेरी क्या इच्छा होगी, अब मैं क्या करूं। फिर भी सोच ले दिमाग में तो भक्तजनों भगवान श्री राम ने रुदन करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान किया। और बंदी बने श्री राम याद तब पवन पुत्र की आई रे, जाओ हनुमान हनुमान तुम का बंद ही मन श्री राम यानी तब पवन पुत्र की आई रे। और आई रही हो हनुमान दुख की घड़ी घेरी रही जाई रे, देर लगा रहे हो। शक्ति लक्ष्मण मार ले जाए कदया नहीं आई रे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भैया। और आई जा बेगी अननी छैया लघुवर रहे बुलाई रे, भ्राता जाके
हनुमत की आदि प्रभु जी लगी भरी रोए। मेरे भैया भगवान श्री राम ने जैसे ही रुदन प्रारंभ किया और विचार करते हैं हनुमंत आप आ जाओ, आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, राजा हमें व्यर्थ में मेरे भैया को तो मारी दिया, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे भैया जैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान किया, कहां देर करने वाले थे हनुमान जो भगवान के चरणों में सदैव रहते थे, सीताराम जपने वाले, और उन्हें आज छत्रपाल जी से स्वामी बुलाए, वो कहां देर करने वाला होता है। मेरे भैया हनुमान जी आ गए और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बंदी देखा, सभी सैनिकों को हाथ में तलवार लिए देखा, अपने विराट रूप में आकर उस पवन पुत्र ने क्या किया है भक्तों? और आगे बढ़ के बजरंगी ने दीनी गदा घुमाई, भगवान श्री राम को मुक्त किया पवन पुत्र हनुमान ने। थोड़े समय के बाद में भक्तजनों भगवान श्री राम प्रस्थान करके चले आए, शक्ति का वध किया। आगे बढ़ के भाइयों राजा ने दोनों हाथ जोड़े हैं, बोले हैं क्या चाहिए? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की लहस को लिया और उस लहस से हड्डियों को निकाल के अपने गले में डाल लिया, अपने भैया की लहस लेकर के चल दिए। हनुमान जी बोले हैं प्रभु बताओ क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम बोले हैं हनुमंत भक्त तुम कहां तक मेरी सेवा करोगे? मेरे जीवन में जो लिखा है हनुमान उसे तुम कैसे अमिट कर सकते हो? तुम जाओ पवन पुत्र, अब कौन सा वैद्य ऐसा होगा जो ये बताएगा हनुमान जी सजीवन बूटी ले आओ। अब तुम जाइए हनुमंत, मेरे जीवन में जो है मैं उसे स्वयं भोगूंगा, तुम्हें कष्ट देना मुझे स्वीकार नहीं है। मेरे भैया हनुमान जी वहां से प्रस्थान करके चले गए। भगवान श्री राम रोते हुए अम्बरीश नगरिया की ओर प्रस्थान करते आ रहे हैं। और चल दीने श्री राम
अकेले नहीं है छोटो भाई रे। अकेले भगवान श्री राम प्रस्थान करते हुए आ रहे हैं। सुनतई वाणी भूपत जानी मन में बहुत गए घबराए। मेरी रानी जो महारानी भोजन ऐसो बना बेना है। मेरे भैया भगवान श्री राम ने कहा है ऋषवर अगर भोजन कराना राजन चाहते हो हमें तो मैं ऐसा भोजन नहीं करता हूं। कैसा भोजन करते हो महात्मा जी? कहने लगे जो सूर की तपन से भोजन बनेगा भगवान भास्कर के तेज से जो भोजन बन जाएगा मैं उसी भोजन को करूंगा और भोजन नहीं कर सकता हूं। महाराज ने सारे राज में पूछवाया। महारानी के पास उदास मन से गए और जैसे ही महारानी ने अपने पिया को आते हुए देखा क्या हुआ भक्तनों? महारानी प्रसन्न करती है महाराज क्या बात है उदास क्यों? बोलिए कि किस कारण से प्रीतम प्यारे कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तानी की बदा लीरुआनी उदास क्यों हो? कोई बात है तो हमें बताओ। वो किस कारण से प्रीतम प्यारे किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तनी की बदली
किस कारण से सुंदर चेहरा इस कोठर को ये पानी है कोई हमसे भूल बनी है, कोई परेशानी है, कोई राज में दुख है तो आप हमें बताएं। क्या भूखा सल्ती गया कर से दी क्या भूखा सल्ती गया कर से प्या लगा प्याज में आता है जिसके कारणी प्रीतम प्यारे जिसके कारण प्रीतम प्यारे वो छाया दिल पे सन्नाटा है मैं बताओ क्योंकि पत्नी आदे की अधिकारी होती है। धीरज धर्म मैत्रेय अरुणारी और आफत काल पर की उचार कहिए प्रभु क्या कोई भूली बनी हमसे क्या कोई भूली बनी हमसे कोई संगीन हुआ जिसके कारण प्रीतम प्यारे हाँ बोलो ना जिसके कारण प्रीतम प्यारे ये सुंदर चेहरा गमगीन हुआ क्या बात है महाराज कोई बात है हमें बताओ। महाराज कहने लगे हैं देवी तुम्हें क्या बताएं। एक महात्मा आ गया और उसका यह प्रश्न है सूर की तपन से जो भोजन बना देगा मैं उसी के हाथ का भोजन करूंगा तुम्हारे अंदर शक्ति है बना दोगी। महारानी दोनों हाथ जोड़े बोली पिया ये मेरे बस से बाहर है आप चाहे हमारे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भेज दो शरीर को फेंक दो घर से निकाल के लेकिन ये हमसे नहीं हुआ। महाराज विवश होके चल दिए विचार करते आज एक महात्मा भूखा जाएगा मेरा राज में राजा होना बहुत गलत है इन्हीं राजाओं के अंदर इन्हीं दोषों में राजाओं को बड़ा दुख उठाना पड़ता क्योंकि रोहित कि राजा ये सोचा करते आए पर जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं Thank you.
जग में आया जगपति बन, ओ जग में आया जगपति बना, कछु किया जगत हित काम नहीं। महाराज विचार करते हैं इन्हीं दोषों में मैं जा रहा हूं, अगर आज महात्मा को भोजन नहीं मिला तो मैं इस राज्य में बिल्कुल नहीं रहूंगा। तब तलक देखा भक्तनों उनकी कन्या आ गई, बोली पिताजी क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बनाऊंगी सूर की तपन से भोजन, कह देना महात्मा से जाओ। सीता तो समझ गई और कोई नहीं होगा सिवाय मेरे स्वामी के। मेरी भैया भक्तिन सीता ने दो थालियों को तैयार किया, जैसे ही भोजन लेकर के भक्तजनों आई, भगवान श्री राम को अकेले देखा, सीता प्रसन्न करती है, प्रभु ये दो थालियां और देवर कहाँ है। मेरे भैया भगवान श्री राम ने रुदन करते हुए क्या किया, सोई आगे बढ़ के रघुवर ली कोई हड्डी नहीं दिखाई, क्या हुआ भक्तनों, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की दोनों हड्डियां ली, गले से निकाल के सीता के आगे डाल दी। सीता ने क्या किया, और यह अंगुली काटी सीता ने, और यह अंगुली काटी सीता ने, भक्ति नो रक्त गिराई, भक्त जनों सीता ने क्या किया, रोहित अगुली को काट के उस हड्डियों पे डाला, संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया, शेषा अवतारी लक्ष्मण राम राम कह करके खड़े हो गए। अब बड़े प्रसन्न हुए भगवान श्री राम। मेरी भैया समय के आधार पर अमरीश महाराज को अवगत कराया गया, भगवान श्री राम का सीता से इस प्रकार से पुनः मिलन हुआ। अंतिम शब्दों में भक्त जनों भगवान श्री राम को सुख की प्राप्ति हुई अब आकर के यहां पर। मेरे भैया और प्रिया के सट में मैंने भैया गाथा गाई सुनाई, शत्रुपाल शाक्य भ्राता जी ने जाके सच मधुर बनाई, अनुज कुमार छोटे भैया ने आके मन दिगहाई, आकाश कुमार कायम गंज वालो ढोलक मधुर बजाई, चेतन शिष्य मेरे ने चिमटा दो चटकाई,
वश में आई। रंजीत चेतन कमरुद्दीन नगर वाले कह सक रहे हैं गाई। छोटे शिष्य कहा मैं यादव कुल में जन्म मित्र में साची बात बतावे। मेरे भ्रात की मेरे भ्रात सुनाए दई मैंने लीला भरपूर। सभी नमस्ते लीजो भैया करी हो बाप सूर। अपना कोई नहीं हाँ भक्तों, आप लोगों के करीब ये प्रोग्राम प्रिया कैसेट कंपनी खैरपुरा के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इनके मिलने का पता है खैरपुरा अलीगंज गेटा की तरफ से। हमारे जितने ही प्रोग्राम हैं ये प्रिया कैसेट पर मिलेंगे आप लोगों को। और शास्त्री रंजीत चेतन के प्रोग्रामों के लिए प्रिया कैसेट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मनमोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें प्रिया कैसेट कंपनी खैरपुरा अलीगंज एटा। मोबाइल नंबर 94 57 02 004।